नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के रास्ते पर चल पड़े हैं। जैसे सोरेन ने ईडी को दौड़ाया था, केजरीवाल भी लगातार दौड़ा रहे हैं। शराब नीति के मामले में ईडी के 8 नोटिसों की धज्जियां उड़ा चुके हैं। जल बोर्ड घोटाले में भी एक समान को धत्ता बता चुके हैं। केजरीवाल को कुछ भी करना है लेकिन ईडी के सामने नहीं जाना है, तो ईडी ने भी अब उंगली टेढ़ी कर ली है और के कविता को गिरफ्तार कर लिया है। के कविता साउथ लोबी से 100 करोड़ की रिश्वत लेने की सूत्रधार है। जैसे ही के कविता ईडी की न्यायिक हिरासत में पहुंची, ईडी ने अपना काम शुरू कर दिया और के कविता से राज उगलवाने शुरू कर दिए। कुछ ईडी सूत्रों के मुताबिक कविता ने आम आदमी पार्टी के नेताओं अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर साजिश रची थी। बार बार जिस साउथ लोबी का जिक्र किया जाता था, जिसे विजय नायर डील कर रहा था, उसने डील के लिए 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। ये बात की कविता ने मान ली है, ऐसा सूत्रों का दावा है और अब अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें पहले से ज्यादा बढ़ने वाली हैं। कविता से पूछताछ और जांच के बाद पता चला है कि पूरा इकोसिस्टम तैयार किया गया साजिश के तहत। नई शराब नीति के तहत होलसेलर्स के जरिए लगातार रिश्वत आम आदमी पार्टी के ऑफिस तक पहुंचाई गई। साउथ लोबी ने एडवांस में जो करोड़ों की रिश्वत पार्टी तक पहुंचाई थी, उसे नई शराब नीति के जरिए प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाकर वसूल करना था और मार्जिन बढ़ाकर मुनाफा को दोगुना करना भी इनकी साजिश का एक हिस्सा था। मार्जिन बढ़ाकर रिश्वत का पैसा निकालना था और मुनाफा भी कमाना था। सिसोदिया संजय के बाद केजरीवाल, नई शराब नीति में घोटाला हुआ है, तभी मनीष सिसोदिया जेल में हैं, संजय सिंह भी इसी मामले में जेल में बंद हैं और अब केजरीवाल की बारी भी जल्द ही आ सकती है। और सिर्फ केजरीवाल पर ही तलवार नहीं लटकती है, केजरीवाल के साथ उनके और भी कई बड़े नेताओं को जेल में जाने की नौबत आ सकती है, ऐसा ईडी की प्रेस रिलीज में साफ शब्दों में लिखा गया है। लेकिन आम आदमी पार्टी को लगता है कि केजरीवाल को झूठे आरोपों में फंसाया जा रहा है। सुनिए एक बार केजरीवाल की मंत्री आतिशी का क्या कहना है। ईडी का ऐसा बयान देना ये साफ साफ दर्शाता है कि आज के दिन में ईडी और सीबीआई भारतीय जनता पार्टी के गुंडे बन के रह गए हैं। ईडी के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक पैसे का सबूत नहीं है, फिर भी सबूत ना होने के बावजूद समन पे समन भेजे जा रहे हैं। खुद ईडी कोर्ट जाती है, कोर्ट जाके ये समन कानूनी है कि गैर कानूनी है, अरविंद केजरीवाल जी का समन पे आना या ना आना सही है या गलत है, ईडी खुद कोर्ट गई। लेकिन ईडी कानून की प्रक्रिया का सम्मान नहीं करती है, ईडी इंतजार नहीं कर सकती है कि कोर्ट अपना फैसला दे, इसीलिए कभी समन देके कभी मीडिया में बयान देके ईडी अपना असली राजनीतिक रंग दिखा रही है। क्या सच्चाई है? सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी को अरविंद केजरीवाल जी से डर लगता है। सच्चाई ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अरविंद केजरीवाल जी से डर लगता है। और ये जो सारा ईडी और सीबीआई का खेल चल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जी को प्रचार से रोकने के लिए चल रहा है। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल केजरीवाल की मंत्री ईडी के लिए कर रही हैं, उससे साफ पता चलता है कि बौखलाहट तो बहुत ज्यादा है। और बौखलाहट का एक और कारण भी है कि ईडी ने सिर्फ केजरीवाल को ही नहीं आरोपी बनाया है, बल्कि इस घोटाले के मामले में, रिश्वत के मामले में आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया है। इसलिए ही इनके होश उड़े हुए हैं, क्योंकि अगर आरोप साबित होते हैं तो मुख्यमंत्री तो जेल जाएंगे ही जाएंगे, पार्टी पर भी एक्शन हो सकता है। दिल्ली सरकार में ऐसा कोई विभाग नहीं है जिसमें सरकार पर घोटालों के आरोप ना लगे हों। वो जल बोर्ड का घोटाला हो, क्लासरूम घोटाला हो, शराब घोटाला हो या फिर बस घोटाला, भर्ती घोटाला हो, पैनिक बटन घोटाला हो, तो दिल्ली के जो घोटाले हैं उनकी लिस्ट बहुत लंबी है। लेकिन ये लोग फिर भी दुनिया में खुद को सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा ईमानदार आदमी दिखाने की कोशिश करते हैं। एक बार दिल्ली के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को सुनिए। अब जांच एजेंसी से भागने वाले केजरीवाल, आपने दिल्ली में इतने भ्रष्टाचार किए हैं कि अब आपके पास सम्मान तो बचा नहीं, अब मात्र सम्मान ही बचे हैं, तो कम से कम उनका तो जवाब दीजिए। आप जल बोर्ड के सम्मान से भाग रहे हैं, लेकिन सब जानते हैं कि जल बोर्ड का घोटाला शराब घोटाले से बड़ा घोटाला है और लगातार जो अधिकारी भी उसमें गिरफ्तार किए गए हैं जांच एजेंसी द्वारा, उनके द्वारा जो जानकारी है वो भी बता रहे हैं कि लगभग 4.5 करोड़ का घोटाला उस समय हुआ जब अरविंद केजरीवाल खुद चेयरमैन थे।
तो जांच एजेंसी को सहयोग करें, जल बोर्ड का घोटाला भी सामने आएगा। जैसा वीरेंद्र सचदेवा ने बताया है कि जल बोर्ड घोटाला शराब नीति से भी बड़ा घोटाला है और ऐसे दर्जनों घोटाले में जो है मुख्यमंत्री दिल्ली के घिरे हुए हैं, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री फिर भी ईमानदारी का ढोल पीटने में लगे हैं। उनके तमाम नेता एक इकोसिस्टम तैयार करने में लगे हैं, बीजेपी की इसे साजिश करार देने में लगे हैं, लेकिन सच एक ऐसी चीज है जो छुपाया नहीं छुपता, भले ही दिल्ली की सरकार कितने भी हथकंडे क्यों ना अपना ले। और अब तो बस देखना यह है कि केजरीवाल कब तक अपने साथियों के साथ और अपने साथियों के पास तिहाड़ जाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी की साजिश है और सिर्फ केजरीवाल को फंसाने के लिए, जेल भेजने के लिए सब कुछ प्रपंच रचे जा रहे हैं, या फिर केजरीवाल खुद को बचाने की नाकाम कोशिशों में लगे हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।